नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो नॉन कार डेटा के वीडियो का एक श्रृंखला लेकर हम चल रहे थे, उसमें अब हम नॉन कार डेटा के अंतर्गत सेकंड पार्ट को लेकर कवर करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पोरी फेरा में अब तक पूछे गए TGT, PGT, CSIR, NET, JRF और तमाम प्रकार की ऐसी परीक्षाएं जिसमें बायोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उन सारे प्रश्नों का एक शानदार संग्रह है। बिना समय गवाए हम सीधा क्वेश्चन पर बढ़ें, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि स्कार नाल प्राली पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोसोलिनियम इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। स्केनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोसोलिनिया इज द राइट आंसर। कैनाल सिस्टम की उपस्थिति स्पंजों का विशेष लक्षण है। स्पंजों की बॉडी वॉल में नाल प्राली होती हैं, यह कई प्रकार की होती हैं जैसे स्कान, साइकान, ल्यूकान इत्यादि। इनमें स्कान सबसे सरल प्रकार की कैनाल सिस्टम है, यह ल्यूकोसोलिनिया स्पंज में पाई जाती हैं। साइकान प्राली स्काइफा में, जबकि ल्यूकान प्राली स्पंजिला में पाई जाती हैं। पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है साइकान में निषेचन होता है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, क्वेश्चन क्या है, साइकान में निषेचन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेसेनकाइम मध्योतक के अंदर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवरअप करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। फर्टिलाइजेशन इन साइकान अकर्स, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इंटरनली इन द मेसेनकाइम इज द राइट आंसर। साइकान पोरीफेरा संघ का एक समुद्री जीव है। साइकान में कोई विशेष जनन अंग नहीं होते हैं। साइकान एक हर्माफ्रोडाइट प्राणी है। नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मक का विकास एक ही प्राणी में होता है। इनका विकास अमीबोसाइट्स कोशिका से होता है। प्रोटोजिनी के कारण साइकान में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। साइकान द्वारा जन्म मुक्त किए गए शुक्राणु जब किसी अन्य साइकान के अंदर छिद्रों के द्वारा प्रवेश करते हैं तो मीसोग्लिया में उपस्थित मादा युग्मक को निषेचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लियोना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच स्पंज इज डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्लियोना इज द राइट आंसर। क्लियोना को सामान्यतः बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है। यह स्पंज ओइस्टर यानी मोती प्रदान करने वाला मोलस तथा मसल कहने का मतलब खाद्य के रूप में प्रयुक्त, इनकी खोल में सुरंग बना देता है तथा इन्हें नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है साइकान का पोला ब्लास्टुला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टोमो ब्लास्टुला इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, द हालो ब्लास्टुला ऑफ साइकान इज, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टोमो ब्लास्टुला इज द राइट आंसर। निषेचित अंड के बार बार विभाजन से ब्लास्टुला का विकास होता है। ब्लास्टुला की कोशिकाएं एक एपिथीलियल स्तर बनाती हैं जिसे ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। ब्लास्टुला के भीतर तरल द्रव से भरी गुहा ब्लास्टोसील कहलाती हैं। साइकान में स्टोमोब्लास्टुला ब्लास्टुला का एक प्रकार है जो वो पाया जाता है। स्टोमोब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला के विकास के समय बनी संरचना है जिसमें ब्लास्टुला खुलकर पार्श्व की कोशिकाओं को निगल जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अलवणीय जल का स्पंज है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पंजिला इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है द फ्रेश वाटर स्पंज इज, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पंजिला इज द राइट आंसर। अधिकांशतः स्पंज समुद्री जल
में पाए जाते हैं। ताजे जल या अलवरीय जल में बहुत ही कम स्पंज पाए जाते हैं। स्पंजिला एक ऐसा ही स्पंज है जो कि अलवरीय जल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेलांचली जंतु पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जल में किनारों की ओर इसका राइट आंसर होगा। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, लिटोरल फार्म ऑफ एनिमल्स इज फाउंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन सी वाटर नियर द शोर इज द राइट आंसर। समुद्री किनारों पर रहने वाले जंतुओं को बेलांचली जंतु या लिटोरल एनिमल कहते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले पिलेजिक तथा समुद्र की तली पर रहने वाले बेंथिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्पंजों में कंटिकाएं बनती हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कंकजन कोशिकाओं द्वारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखिएगा, स्पाइक्यूल्स ऑफ स्पॉन्स आर फॉर्म्ड बाई तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्क्लेरोब्लास्ट इज द राइट आंसर। अब देखिएगा इसको थोड़ा डिटेल बताते हैं, जो कंकजन हैं या स्क्लेरोब्लास्ट हैं उसमें कंटिकाओं का निर्माण होता है, जो संचयार यानी थीसोसाइट्स हैं उसमें खाद्य पदार्थों का संग्रह होता है, जो आर्कियोसाइट्स हैं उसमें होता क्या है, टोटीपोटेंट कोशिकाएँ जो किसी भी दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती हैं, और ट्रोफोसाइट्स के अंतर्गत क्या होता है, भोजन प्रदान करना होता है, क्रोमोसाइट्स उत्सर्जी पदार्थ तथा रंगा पदार्थ देता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन देखिएगा, ल्यूकोसोलेनिया की देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएँ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखिएगा, द प्रिंसिपल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द बॉडी वाला ऑफ ल्यूकोसोलेनिया आर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिनेकोसाइट, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स इज द राइट आंसर। ल्यूकोसोलेनिया पोरीफेरा संघ का एक समुद्री स्पंज है। इसकी देह भित्ति दो परतों की बनी होती है, बाहरी परत एपिडर्मस यानी पिनेकोडर्म कहलाती है, जिसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं, इन्हें पिनेकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। भीतरी परत इंडोडर्मिस हैं, जिसकी कोशिकाओं को कोइनोसाइट्स कहा जाता है, और बाहरी और भीतरी परत के मध्य जेल के रूप में मौजूद पदार्थ मीसोग्लिया कहलाता है। इसमें अनियमित आकार की कोशिकाएं अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। देह भित्ति में उपस्थित छिद्रों को घेरने वाली कोशिका पोरोसाइट्स कहलाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव जिस एक स्टॉक से हुआ है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक वंशोद्भव उद्भव। तो इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मेटाजोआ फॉर्म अ सिंगल स्टॉक इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन इज द राइट आंसर। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन इसका राइट आंसर होगा। चलिए इससे बात करते हैं, प्रोटोजोआ से मेटाजोआ के उद्भव के संदर्भ में तीन प्रमुख सिद्धांत हैं। एक है कॉलोनियल सिद्धांत यानी कॉलोनियल थियरी, एक है सिंसियल सिद्धांत यानी सिंसियल थियरी, और एक है बहुवंशोद्भव सिद्धांत यानी पॉलीफाइलेटिक थियरी। इसमें से कॉलोनियल सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है, जिसमें एक वंशीय उद्भव का आधार बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जानवर जो समुद्र के तल में रहता है यह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नितलस्थ इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा, एनिमल विच लिव एट द बॉटम ऑफ सी आर कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बेंथिक इज द राइट आंसर।
बेंथिक क्या होते हैं, जो समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु होते हैं। लोटिक क्या होते हैं, बहते हुए ताजे जल में रहने वाले जंतु होते हैं। लेंटिक क्या होते हैं, स्थिर जलाशयों में रहने वाले जंतु होते हैं। और पिलेजिक क्या होते हैं, समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, ग्रहों क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, जंतुओं के एवाइसल रूप पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहरे समुद्र में। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देखिएगा, क्या है क्वेश्चन, एबाइसल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डीप सी इज द राइट आंसर। गहरे समुद्र में रहने वाले जंतु जो 4000 से 7000 मीटर तक अधिक गहराई में पाए जाते हैं, एबाइसल कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, बाथ स्पंज हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा, बाथ स्पंजिज क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यू स्पंजिया इज द राइट आंसर। यू स्पंजिया का साधारण नाम बाथ स्पंज है। इसका कंकाल दृढ़ श्रृंगी हॉर्नी स्पंजी तंतुओं का बना होता है। कंकाल का रंग उड़ाकर सुखा लिया जाता है तथा उसे स्नान के कार्य में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है बहुत शानदार तरीके से, निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय करती हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, थीसोसाइट्स इज द राइट आंसर। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन ये आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंज, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, थीसोसाइट्स इज द राइट आंसर। स्पंज की देह भित्ति में 3 स्तर होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें थीसोसाइट मेसोफिल स्तर में होती हैं जो भोजन संचय का कार्य करती हैं। ट्रोफोसाइट्स भी मेसोफिल स्तर में होती हैं जिनका कार्य पोषण प्रदान करना होता है। पिनेकोसाइट्स बाहरी स्तर पिनेकोडर्म तथा कोनोसाइट भीतरी स्तर कोनियोडर्म में होती हैं जो मुख्यतः रक्षात्मक स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन टू से कोनोसाइट्स इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा बड़ा ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन है, फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंज आर कॉल्ड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोनोसाइट्स इज द राइट आंसर। स्पंज में कोनोसाइट्स या कालर कोशिकाएं कसाब युक्त होती हैं। ये कोशिकाएं स्पंज की देह भित्ति की सबसे भीतरी स्तर बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोइनोसाइट्स इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को, फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंज आर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोइनोसाइट्स इज द राइट आंसर। स्पंज की देह भित्ति में 2 मुख्य स्तर होते हैं, बाहरी पिनेकोडर्म जो कि पिनेकोसाइट कोशिकाओं का बना होता है तथा भीतरी कोनियोडर्म जो कि कोइनोसाइट्स कोशिकाओं का बना होता है। कोइनोसाइट कोशिकाएं कसाब युक्त होती हैं, इन्हें कालर कोशिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं स्पंज का अद्वितीय लक्षण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका, इसके बाद ऑप्शन चूज करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिलिका स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पाइकल्स इज, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पंज फ्रॉम द सी वाटर, इसका राइट आंसर होगा। स्पंजों के देह भित्ति में मेसोफिल स्तर में स्थित स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं कंटिका का श्रावण करती हैं। इसके निर्माण के लिए ये समुद्री जल द्वारा सिलिका को निष्कर्षित करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, पैरा गैस्ट्रिक कैविटी यानी गुहा का दूसरा नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्पंजोसील इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है,
पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ फॉर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पंजोसील इज द राइट आंसर। स्पंजों की केंद्र की गुहा को स्पंजोसील कहते हैं, इसी को पैरागैस्ट्रिक गुहा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखिएगा। समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं? तो चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी टीनोफोरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सी वॉलनट्स बिलोंग टू फाइलम, तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीनोफोरा इज द राइट आंसर। समुद्री अखरोट टीनोफोरा संघ के जंतुओं को कहते हैं। इन्हें कांब जिली या समुद्री अखरोट कहते हैं क्योंकि इनके शरीर पर 8 अनुदैर्ध्य प्लेट्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।